कई लोग लगातार 5000 पीबी कर रहे हैं फिर भी उनको बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, जयर से मैं प्रमोद मौर्य। आज मैं आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ, एक न्यू अपडेट देने जा रहा हूँ, एक फायदे की बात बताने जा रहा हूँ जो काफी लोगों को पता ही नहीं है। बिल्कुल एक सवाल आप सभी लोगों का होगा, मैंने कमेंट में भी पढ़ा है, कई लोग का फोन भी आया, कई लोग फील्ड में पूछ रहे हैं। यहाँ पर सवाल सबसे पहले क्या है कि जो व्यक्ति 1500 पीबी कर रहे हैं लगातार, 1500 पीबी कर रहे हैं या 2500 पीबी कर रहे हैं लगातार अपने सेल्फ आईडी पर, या 5000 पीबी वो लगातार अपने आईडी पर कर रहे हैं, यहाँ पे सवाल ये आता है जो हमें बोनस मिलने वाला है वो किस पर मिलेगा। बोनस एक ऐसा चीज है, ये बोनस किसको मिलेगा, कब मिलेगा बोनस पॉइंट जो है। ये बोनस पॉइंट कई लोगों को नहीं मिलेगा, कई लोगों को मिलेगा। बोनस पॉइंट्स जो है ये कई लोगों को नहीं मिलेगा, कई लोगों को मिलेगा। कई लोग लगातार 5000 पीबी कर रहे हैं फिर भी उनको बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। 5000 पीबी लगातार करने वाले को भी बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा। ये बोनस पॉइंट होता क्या है, कंपनी ने जब अपना प्लान अपडेट किया, स्लेब को अपडेट किया, जो हम बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस को जब अपडेट किया, तो कंपनी ने बताया था कि हम आपको परचेजिंग क्लब में डालेंगे। एक परचेजिंग क्लब होगा, उस परचेज क्लब में डालेंगे, और परचेज क्लब में जो व्यक्ति आ जाता है जिसका लगातार बिजनेस वैल्यू करने से जिसका 50000 पीबी हो जाता है उसको हम परचेज क्लब में डाल देंगे। परचेज क्लब में हम डाल देंगे, और परचेज क्लब में डालने के बाद उस व्यक्ति को लगातार हर महीने हम 10% एक्स्ट्रा पैसा देंगे। एक्स्ट्रा क्या देंगे, बोनस देंगे, एक्स्ट्रा ये बोनस देंगे हम। ये कंपनी ने बोला हुआ था, सभी के लिए बोला हुआ था। लेकिन सवाल ये आता है कि सर अगर मैं 5000 लगातार कर रहा हूं फिर क्यों नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। किनको नहीं मिलेगा, जो व्यक्ति ने लगातार 5000 बिजनेस वैल्यू सात मंथ किया और 7 मंथ के बाद उसने 8वें मंथ नहीं किया, उसने 8वें मंथ 7000 लगातार 7 महीने किया, 8वें महीने नहीं किया, उसके बाद उन्होंने 9वें महीने किया और 10वें महीने किया, इन व्यक्ति को 5000 पीबी लगातार करने से कोई फायदा नहीं होगा। उनको 10% एक्स्ट्रा बोनस नहीं दिया जाएगा, उनको परचेज क्लब में नहीं रखा जाएगा उनका, क्योंकि 50000 पीबी नहीं हो पाया, बीच में उन्होंने गैप कर दिया, बीच में उन्होंने छोड़ दिया इसको, किसी भी कारण हो सकता है उनके पास पैसे ना रहा हो या कोई और भी प्रॉब्लम आ सकती है बीच में, उसकी वजह से अगर आप लगातार 10 महीने में 50000 पीबी सेल्फ आईडी पे नहीं कर पाए तो आप परचेज क्लब में नहीं जा पाओगे। परचेज क्लब में नहीं जाने से 10% एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा। अब सवाल उठता है कि इनका क्या होगा, जो व्यक्ति लगातार 1500 पीबी कर रहे हैं, 2500 पीबी कर रहे हैं या 5000 पीबी कर रहे हैं, उनका क्या। 5000 वाले का तो मैंने बता दिया आपको किस तरह से होगा, लेकिन 2500-1500 वाले का इनका गाड़ी फंसा हुआ है, इनकी प्रॉब्लम फंसी, इनका कैसे होगा। तो आज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि 1500-2500 करने वाले भी कई बार ये गलती करते हैं कि वो एक महीने 1500 करते हैं, दूसरे महीने 2500 करते हैं, फिर तीसरे महीने फिर 1500 पे आ जाते हैं। इस तरह से जो भी व्यक्ति अपने बिजनेस वैल्यू को अपने सेल्फ आईडी पे कर रहे हैं उनको भी ये बोनस नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो 1500 पीबी लगातार करते हैं लेकिन बीच में वो 1400 ही पीबी करके रह जाते हैं, 1400 पीबी करते हैं, 1500 पीबी नहीं कर पाते हैं, उस व्यक्ति को भी परचेज क्लब में नहीं रखा जाएगा। ये सब जानकारियां आपके पास में होनी चाहिए, आपके टीम के पास में होनी चाहिए, तभी जाकर के आप ग्रोथ कर पाओगे अपने बिजनेस को, अपनी टीम को, दोनों को। क्योंकि हर इंसान को चाहिए पैसा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। यदि पैसा नहीं आपके टीम में मिल रहा है, पैसा लोगों को नहीं आ रहा है, तो लोग कितना दिन तक काम करते हैं। सभी को पैसा चाहिए, हाँ कुछ तो आए, जैसे कोई ज्वाइनिंग किया 2% तो जाए वो। अब 2% कोई व्यक्ति जाना शुरू कर देता है तो उसको 10-20-50-100-150-200 रुपया आना शुरू हो जाता है, तो कुछ तो आए, दिखना तो चाहिए ना कि हाँ पैसे आ रहा है। वो दूसरे महीने तीसरे महीने तक आपके साथ में बंदा रहेगा, दूसरे तीसरे महीने आपके साथ में रहेगा, 3-4 महीने तक आपके साथ राशन खाएगा, सामान लेगा, आपकी मीटिंग सेमिनार आया, उसके बाद कुछ उसको आना शुरू हो जाता है तो मोटिवेट होता है। पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, और पैसा जिसके पास आता है हमेशा मोटिवेट ही रहता है। तो दोस्तों 1500-2500 वालों का क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको, जो व्यक्ति 1500 पीबी लगातार कर रहे हैं, 1500 पीबी लगातार कर रहे हैं, और जो व्यक्ति 2500 पीबी लगातार कर रहे हैं, इनके लिए खुशखबरी यह है कि अगर आप लगातार करते हैं अगर आपका टोटल 50000 पीबी हो जाता है, 50000 पीबी हो जाता है, तो आपको परचेज क्लब में रख दिया जाएगा, परचेज क्लब में आपको रख दिया जाएगा, परचेज क्लब में डाल दिया जाएगा, और परचेज क्लब का फायदा आप ले सकते हो। यदि आपका 1500-2500-5000 लगा हो रहा है लगातार, 50000 पीबी हो गया, अब कैसे होगा। जो व्यक्ति 1500 पीबी कर रहे हैं
इनको करने में 3 साल लग जाएगा, 3 साल में इनका पहुंचेगा परचेज क्लब में। जो व्यक्ति 2500 कर रहे हैं इनको लगभग 2 साल लग जाएगा, ये 2 साल में परचेज क्लब में पहुंचेंगे। लेकिन जो व्यक्ति 5000 पीबी कर रहे हैं ये तो मान लो 10 महीने में ही पहुंच जाएंगे, 10 महीने में ही पहुंच जाएंगे, ये 10 महीने में कंफर्म कर लेंगे। लेकिन बीच में अगर कोई भी महीना आपने नहीं छोड़ा, कंसिस्टेंसी रखा, तो ये कंसिस्टेंसी बोनस प्लान है दोस्तों। जो व्यक्ति कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस को कर रहा है, कंसिस्टेंस है अपने बिजनेस को लेकर के, अपने वैल्यूम को लेकर के, कभी कम नहीं कर रहा है, तो उसे ये बोनस पॉइंट दिया जाएगा, उसे फायदा दिया जाएगा। दूसरा फायदा और बताना चाहता हूं आप लोगों को, यदि आप लोग 1500 पीबी कर रहे हो तो 2500 करना शुरू कर दो, जल्दी आप परचेज क्लब में चले जाओगे। यदि आप 2500 पीबी करते हो तो 5000 पीबी करना शुरू कर दो, जल्दी परचेज क्लब में चले जाओगे। अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि जो मैंने इससे पहले 1500 पीबी लगातार 6 महीना किया है, क्या वो इसमें नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा, इसमें ही जुड़ेगा वो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी करना शुरू करोगे तब जुड़ेगा। 2500 पीबी आप लगातार कर रहे थे लेकिन आपने बीच में 5000 पीबी करना शुरू कर दिया, तो वो आपका जल्दी कवर हो जाएगा, 50000 पीबी जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम कम लगेगा। आप 2500 करते हो, 5000 करोगे तो और कम टाइम लगेगा। दूसरा सवाल कई लोग का कि सर 10000 पीबी अगर हम 5 महीना कर ले 50 महीना में क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्लान ही 10 महीना का, ये प्लान 10 महीने का ही है, 5 महीने में आपको ये बोनस नहीं मिलने वाला। 10000 पीबी करोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन मिलेगा आपको 10 महीने में ही, 5000 ही आपका मायने रखा जाएगा, 5000 ही आपका यहां पर लिखित में होगा, जोड़ा जाएगा, उसके बाद 5000 नहीं जुड़ेगा इसमें। आप 10000 करते हो तो 2 आईडी पे कर लो, 5000 2 आईडी पे कर लो अपने, ऐसा भी आप कर सकते हो, नहीं तो एक ही आईडी करते हो तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया है आपका। तो कई लोग क्या है, 5000 करते करते 2500 पे आ जाते तो भाई आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा, 2500 करते करते आप 1500 पे आ गए तो आपको और ज्यादा टाइम लग जाएगा, और 1500 से 2500 पे गए तो कम टाइम लगेगा, 2500 से 5000 शुरू कर दिया करना तो और कम टाइम लगेगा। तो जितना ज्यादा करना शुरू कर दोगे उतना जल्दी आप पहुंच जाओगे परचेज क्लब में, और परचेज क्लब में पहुंचने के बाद कंपनी आपको हर महीने 10% एक्स्ट्रा बोनस देने को तैयार है, 10% एक्स्ट्रा बोनस देने को तैयार है। 10% कैसे मिलेगा? जैसे आप हर महीने 5000 पीबी करते हो तो आपको यहाँ पर 5000 पीबी करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा 500 रुपया, यहाँ पर 500 रुपया आपके अकाउंट में मिलेगा, ये 500 रुपया आपका बोनस हो गया। यदि आप 2500 पीबी करते हो तो आपको 2500 रुपया मिलेगा, सॉरी 250 रुपया मिलेगा, 250 रुपया मिलेगा। यदि आप 1500 पीबी करते हो तो आपको 150 रुपया मिलेगा। दोस्तों इस तरह से आपको 10 जितना आप करते हैं उसका 10% आपको दिया जाएगा, उसके 10% बोनस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके आप यहां से अपने बिजनेस वैल्यू को उछाल दें। जहां भी थे आप 2500 करते थे तो आप 5000 करना शुरू कर दें, आप 5000 करते हैं 1500 करते हैं तो 2500 करना शुरू कर दें, जिससे क्या होगा जल्दी से जल्दी आप परचेज कलम में चले जाओगे, और परचेज कलम में जाने के बाद में तो ये सारे फायदे आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से अच्छी जानकारी आप लोगों को मैं दे पाया हूंगा, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो, वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि हमें तो जानकारी मिल गई लेकिन हमारी टीम को जानकारी, कई लोग का सवाल आता है सर मैं इस महीने 5000 नहीं कर पाया, क्या मैं परचेज क्लब में जाऊंगा? सर मैं तो 2500 इस महीने कर रहा हूं तो क्या मैं परचेज क्लब में जाऊंगा? ऐसे बहुत लोगों का सवाल है, तो ये वीडियो उनकी मदद कर सकती है, आपकी मदद कर सकती है लोगों को बताने में। एक एक करके लोगों को बताने बहुत टाइम लगता है, लेकिन वीडियो अगर हम अपने ग्रुप में डाल देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद लोगों की जो कंफ्यूजिंग है वो दूर हो जाती है, सही हो जाता है उनका, सब जितना भी कंफ्यूजिंग है क्लियर हो जाता है भाई। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये सारे फायदे आपको मिल सकते हैं, और बस अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं, बने रहिए हमारे साथ में, नई नई जानकारी आपको बताता रहूंगा, इसकी डीप जानकारी, नेटवर्क मार्केटिंग की डीप जानकारी आपको देता रहूंगा, जो सीख रहा हूं वो आपको मैं सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत है, खो जाएंगे हम, मिलेंगे नहीं आपको दोबारा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। आगे मैं लाइव भी आने वाला हूँ, अभी संडे वाले दिन मैं रात में 9 बजे लाइव आया था, लेकिन आगे फिर लाइव आऊंगा, कई लोगों का कई तरह का सवाल होता है वो लाइव बताऊंगा आकर के, आप बने रहिए हमारे साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल, अपने परिवार का ख्याल रखिए, जहां भी रहिए खुश रहिए। जय श्री राम, जय हिंद।